दुष्कर्म केस में 2013 में जोधपुर जेल में बंद आसाराम केस का फैसला 25 अप्रैल को सुनाया जाएगा। आसाराम पर 16 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। उसके खिलाफ बलात्कार के आरोप साबित होने पर उसे 10 साल की सजा सुनाई जा सकती है। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस की अर्जी पर आसाराम का फैसला अदालत में ही सुनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार यानी 25 अप्रैल को 5 साल पुराने मामले में फंसे आसाराम पर दुष्कर्म के मामले में अदालत फैसला सुनाएगी। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर जोधपुर को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस की अर्जी पर जेल में ही कोर्ट लगेगी और फैसला जेल में ही सुनाया जाएगा। इससे पूर्व जोधपुर स्थित आसाराम बापू के आश्रम पर भी पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। साथ ही बसों, रेलवे स्टेशन और आने जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस ने पहरा सख्त कर दिया है। किसी तरीके से भी आसाराम के भक्त जोधपुर ना पहुंच पाए, इसके लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की विशेष कंपनियां जोधपुर में फ्लैग मार्च कर रही हैं। वहीं शहर में पिछले 10 दिनों से धारा 144 भी लगा रखी है। वहीं पुलिस कमिश्नर अशोक राठौड़ पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जोधपुर के सभी होटलों और सरायों में भी हर 4 घंटे में तलाशी ली जा रही है। माननीय न्यायालय में कि इन सब घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए साथ में जो देश में और जगह भी समान प्रकार के प्रकरणों में जो घटनाक्रम हुए, हिंसक हो गए, लोगों की जान गई, जान माल की क्षति हुई, तो इन सब समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन है जिसके आधार पर हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आम जन को यहाँ पर असुविधा नहीं हो, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित नहीं हों, और जो फैसला है अगर उचित समझें तो वो फैसले के लिए जो सेंट्रल जेल है उसको मुकर्रर करें।